गए नंबर मेरा, आज नंबर आ गए, बोलने का मौका मिला है। नहीं थी इतना देर में धक्के खा रही है। हेलो देविन, जोर से बोलो, खाना नहीं खाएगा? आज मैंने देर है बिना बाना के बारे में बता रही है, तो बिना बाना बाबा साहब का भाषण सुन के मैं घर में बैठी थी, तो मैं रोटी पानी बना रही, तो सुमान तो का घर से निकल रही नहीं का, तो हम ही निकल रही है, तो मैं निकल गए दोनों जन हम लोग, तो आज निकल गए थे, आज ये सब पब्लिक जुड़े है, तो आज हमारे वजह से तुम लोग काम कर रहे है, तो काम कर रहे है, तो मैंने आगे देखे गई है, तो मैं आज मैं बता रही है, तो मैं अस्पताल में धक्के खाते ही रही है, तो धक्के खाते खाते मैं गई जयमाला में गई है, तो जयमाला में गए के 60,000 रुपए खर्चा करके डॉक्टर के पास लेके गई है, तो डॉक्टर की बात हो गई है, बिना भाना के साथ बात कर रहे थे, तो दरवाजे के पीछे मैं चुपके सुन रही थी सारी बात, तो बात सुने, तो डॉक्टर ने कहा था तुम 3 महीने के मेहमान है, जो जितना मर्जी है तुम खा लो ना, तो मैं बाहर बैठ के रोने लगी है, तो बाहर आ गए तो शुभम तू क्यों रो रही है, मेरे को मेरे पता लग गए है 3 महीने के बीमार बचेंगे, तो इसके बाद तुम रुकेंगे नहीं, मैं फिर ठीक है, मैं मरने वाला थोड़ी है, मतलब ठीक है तो मरने वाला नहीं है, पर डॉक्टर ऐसे झूठ मूठ बोलेंगे का, तो मैं गई हूँ घर पे, तो घर पे गए तो इनको अच्छे तरह से खिलाया पिलाया, तो खिला दिया, तो मैं आज बच्चों को छोड़ के देखो संगठन का काम कर रही है, तो आज ये पूरा काम करके मैं हटूंगी नहीं है, तो हटूंगी नहीं है, तो क्यों मैं आज तुम्हारे जगह पे मैं बैठी है, दीना भाना की मिशी से, तो ये नवे आदमी सुना, तो इनको पता नहीं है, तो इनको पता लग जाएगा कि ये किसके दीना भाना की मिशी से, पर मैं तो आज ये पूरा काम करके अब पूरा संगठन का काम करके जब भी हटूंगी, जब तक मैं हटूंगी नहीं, मरने तक नहीं हटूंगी, ये गुलामा ने एकदम घोटाला कर दिया, तो इसको कच्चा दबा के खाना चाहिए, तो क्यों, तो ये ब्राह्मण ने कर रहा है सब कुछ, तो ये ब्राह्मण ने हमारे को पढ़ाई निकलने नहीं दिए हैं, तो फिर मैं 2 अक्षर बोले है तो मैं समाज कर देते। हमारी दादी जी ने ये प्रण लिया है कि दीना भाना जी जो हमारे संस्थापक थे बामसेप के, उनका मिशन पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाएगी मरते दम तक। धन्यवाद दादी जी। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं विचार मंच पर